अप्रैल 1917 रात के करीब 9:30 बजे बिहार के मुजफ्फरपुर के डिग्री कॉलेज में इतिहास का एक युवा प्रोफेसर, उम्र 29 साल, वह जब क्लब से अपने हॉस्टल लौटता है तो अपनी मेज पर एक टेलीग्राम रखा पाता है जिसमें लिखा होता है कि अब से कुछ ही घंटे बाद महात्मा गांधी वहां ट्रेन से पहुंचने वाले हैं। युवा प्रोफेसर ये समझ नहीं पाता है कि इतने बड़े आदमी का स्वागत कैसे किया जाए। तब तक उसका एक छात्र ये सलाह देता है कि इतने बड़े आदमी का स्वागत आरती उतार कर करना चाहिए। आसपास के बगीचों से फूल इकट्ठा किए जाते हैं, आरती के लिए हर चीज जमा हो जाती है सिवाय नारियल के। रात इतनी हो गई होती है कि बाजार से कुछ मंगवाना भी मुमकिन नहीं था। तब तक युवा प्रोफेसर की नजर अपने बगीचे के एक नारियल के पेड़ पर पड़ती है। वह झट से नारियल के पेड़ पर चढ़ जाता है और गांधी के स्वागत के लिए पेड़ से नारियल तोड़ लाता है। बाद में इस युवा प्रोफेसर ने अपनी आत्मकथा माई टाइम्स में इसका जिक्र किया है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार, गांधी के स्वागत के लिए पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने वाले युवा प्रोफेसर आचार्य जेबी कृपलानी थे। सियासत में आज बात उन्हीं की। इस पॉडकास्ट में ये भी जानेंगे कि नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने में मदद करने वाले जेबी कृपलानी आखिर नेहरू के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर आए थे, और आजाद भारत के पहले कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी ने आखिर कांग्रेस क्यों छोड़ी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्विंट का एक पॉडकास्ट है उर्दू नामा, जिसकी होस्ट फवेहा हैं। इस पॉडकास्ट को भी आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं, तो सुनिएगा जरूर। 15 अप्रैल 1917 रात के करीब 1 बजे मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर पटना से आई एक ट्रेन रुकती है जिसमें महात्मा गांधी सवार रहते हैं। गांधी के स्वागत के लिए जेबी कृपलानी अपने छात्रों के साथ पहले से ही आरती की थाली और एक लालटेन लेकर स्टेशन पर मौजूद रहते हैं। ट्रेन जैसे ही रुकती है वह लालटेन लेकर पहले दर्जे के डिब्बे की तरफ गांधी जी को ढूंढने के लिए भागते हैं, लेकिन गांधी तीसरे दर्जे के डिब्बे में सफर कर रहे होते हैं। गांधी की आरती उतारी जाती है और नारियल फोड़ा जाता है। महात्मा गांधी और जेबी कृपलानी की पहली मुलाकात थी। कृपलानी अपनी खिताब महात्मा गांधी में लिखते हैं कि उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में बहुत सुना था और पत्रों के जरिए ही परिचित थे, इससे पहले वो कभी मिले नहीं थे। महात्मा गांधी के साथ उनकी ये पहली साक्षात मुलाकात थी। गांधी से मिलने के बाद कृपलानी इतने प्रभावित हुए कि धीरे धीरे उनका झुकाव स्वतंत्रता संग्राम की तरफ होने लगा। चंपारण सत्याग्रह में कृपलानी ने गांधी जी के निकट सहयोगी के रूप में काम किया। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। इसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। गांधी जी के आश्रम में ही आचार्य जेबी कृपलानी की मुलाकात सुचेता कृपलानी से हुई थी। जब गांधी को इन दोनों की नजदीकियों का पता चला तो बहुत नाराज हुए, क्योंकि आचार्य एक निष्ठावान गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी को उम्मीद थी कि आचार्य कृपलानी केवल देश को ही प्राथमिकता देंगे। गांधी जी को लग रहा था कि अगर आचार्य गृहस्थ जीवन में पड़ गए तो वह देश को प्राथमिकता देना छोड़ देंगे। और दूसरा कारण ये था कि आचार्य और सुचेता की उम्र में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर था। लेकिन सुचेता गांधी को ये कहकर मनाने में सफल रहीं कि अगर मैं आचार्य से शादी नहीं करूँगी तो ये इनके साथ धोखा होगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अब आपको दो दो कर्मचारी और मिल जाएंगे। गांधी की सहमति के बाद आचार्य जेबी कृपलानी और सुचेता कृपलानी शादी के बंधन में बंधे। अब आया 1946। अंग्रेजों ने आजादी से 1 साल पहले ही भारतीय हाथों में सत्ता दे दी थी। भारत में अंतरिम सरकार बननी थी। तय हुआ था कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनेगा। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। वो पिछले 6 साल से इस पद पर बने हुए थे। महात्मा गांधी ने 20 अप्रैल 1946 को मौलाना को पत्र लिखकर कहा कि वो एक वक्तव्य जारी करें कि अब वो अध्यक्ष पद पर बने नहीं रहना चाहते हैं। अब तय हुआ कि 29 अप्रैल 1946 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाएगा और अंतरिम सरकार में भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। उस समय कृपलानी पार्टी के महासचिव थे। परंपरा के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां करती थीं और 15 में से 12 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया था। बची 3 कमेटियों ने आचार्य जेबी कृपलानी और पट्टाभि सीतारमैया का नाम प्रस्तावित किया था। किसी भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्ष पद के लिए नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं किया था।
पार्टी के महासचिव कृपलानी ने पीसीसी के चुनाव की पर्ची गांधी की तरफ बढ़ा दी। पर्ची देखने के बाद गांधी ने कृपलानी की तरफ तिरछी नजर से देखा। कृपलानी समझ गए कि गांधी क्या चाहते हैं। उन्होंने नया प्रस्ताव तैयार कर नेहरू का नाम प्रस्तावित कर दिया। अब अध्यक्ष पद के लिए दो नाम आमने सामने थे, एक जवाहरलाल नेहरू और दूसरे सरदार पटेल। लेकिन अंतिम चर्चा में गांधी जी ने पटेल को भी राजी कर लिया कि वो अपना नाम वापस ले लें। इसके बाद कृपलानी ने ऐलान किया कि नेहरू को निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाता है। जब अध्यक्ष होने के नाते नेहरू का नाम पीएम पद के लिए चला गया तो अगला अध्यक्ष चुना जाना था, लिहाजा जेबी कृपलानी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। लेकिन एक साल बाद ही सरकार और संगठन के बीच दूरियां बढ़ती गईं। कृपलानी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू से ली थी। कांग्रेस का अध्यक्ष बनना उनके लिए गौरव की बात थी, लेकिन सरकार में बैठे कांग्रेस नेताओं की उपेक्षा से उनको निराशा हुई। राम बहादुर राय अपने खिताब शाश्वत विद्रोही राजनेता आचार्य जेबी कृपलानी में आचार्य के हवाले से लिखते हैं कि उनको सबसे ज्यादा निराशा सरदार पटेल से हुई। नेहरू और पटेल दोनों सरकार के नीतिगत मामलों में कांग्रेस अध्यक्ष से कोई सलाह नहीं लेते थे, इसलिए संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। नेहरू और पटेल की देखा देखी दूसरे मंत्री भी कांग्रेस अध्यक्ष को महत्व नहीं देते थे। सरदार पटेल अलग तरह से सोचते थे कि लोकतंत्र में सरकार केवल संसद के प्रति जवाबदेह होती है, लेकिन कृपलानी चाहते थे कि आज़ादी के पहले कांग्रेस जैसी थी वैसी ही बनी रहे और हर मामले में सरकार पार्टी से परामर्श ले। यही कारण था कि जेबी कृपलानी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अपनी नई पार्टी बनाई। भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं के इतिहास में आचार्य जेबी कृपलानी का नाम इसलिए भी लिया जाता है। क्योंकि वह पहले व्यक्ति थे जो पंडित नेहरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। इससे पहले कभी भी किसी विपक्षी नेता ने इस बारे में सोचा तक नहीं था। इस अविश्वास प्रस्ताव को संसद में आचार्य कृपलानी ने चीन का युद्ध हारने के बाद पेश किया था। हालांकि कांग्रेस का बहुमत होने के नाते वो गिर गया था, लेकिन सांकेतिक तौर पर इसका असर काफी गहरा पड़ा था। पंडित नेहरू के बाद कृपलानी इंदिरा के भी उतने ही विरोधी थे जितने जेपी और राम मनोहर लोहिया थे। इंदिरा गांधी का भी उन्होंने कई मौकों पर विरोध किया और इमरजेंसी के दौरान उनकी गिरफ्तारी भी हुई। बाद में 1982 में इलाहाबाद में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत पर तत्कालीन राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी ने कहा था कि आचार्य जेबी कृपलानी की मौत से देश ने गांधी युग के एक मसीहा को खो दिया है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें क्विंट के ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर लिखकर बताएं, और सियासत का अगला एपिसोड किस पर होना चाहिए ये भी सुझाव दें। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप क्विंट हिंदी के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। सियासत क्विंट हिंदी का ओरिजिनल पॉडकास्ट है। इसे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस किया है ऋतु कपूर और संतोष कुमार ने। इस एपिसोड को एडिट किया है अंजलि पलोड ने और बैकग्राउंड म्यूजिक BMG प्रोडक्शन से लिया गया है। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।